हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश शर्मा एंड टुडे आई एम गोना टीच यू ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर 1 दैट इज अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इसका की मतलब है सौरमंडल के अंदर हमारी पृथ्वी। तो इस चैप्टर के अंदर हम सारी मेजर चीजें समझेंगे जो कि सोलर सिस्टम के अंदर होती हैं, अबाउट ऑल द प्लैनेट्स एंड अबाउट द सन एंड अबाउट ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू द सोलर सिस्टम दैट इज आवर सोलर सिस्टम। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो कि है IRF एजुकेशन, और प्लीज बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली जो भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, तो कि ताकि आगे आने वाली अच्छी अच्छी जो क्लासेस हैं वो आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, यानी कि सौरमंडल के अंदर हमारी पृथ्वी। तो अर्थ जो है वो थर्ड प्लेनेट है सन से, और ओनली प्लेस जो कि लाइफ सपोर्टिव सिस्टम को सपोर्ट करती है वो है अर्थ। तो अर्थ जो है तीसरी प्लेनेट है सन से और लाइफ को सपोर्ट करती है, और ये पांचवी जो है सबसे बड़ी प्लेनेट है सोलर सिस्टम के अंदर। इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, और ये दुनिया में जो है पानी को सपोर्ट करती है, यानी कि अर्थ के ऊपर ही पानी पाया जाता है जितने भी प्लेनेट है हमारे अर्थ के ऊपर। और अमोंग ऑल द फोर प्लेनेट क्लोजेस्ट टू द सन अर्थ जो है सबसे बड़ी। सोलर सिस्टम जो है कंसिस्ट करता है स्टार को जो कि है सन, और सन की वजह से जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और सारी चीजें इसके चारों तरफ घूमती हैं, तो इसी को क्या बोल दिया जाता है, ग्रेविटेशनल पुल बोल दिया जाता है ना। द प्लेनेट्स मरकरी, जो प्लेनेट्स है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, और डार्क प्लेनेट जैसे कि प्लूटो, डजन्स ऑफ और कई सारे मून्स जो कि बड़े बड़े प्लेनेट्स को रिवॉल्व करते हैं। हमारी अर्थ का भी एक मून है आपको पता है, और मिलियंस ऑफ एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स और मिटियोरॉइड्स जो कि सन को जो है रिवॉल्व करते हैं, वो सारे क्या है सोलर सिस्टम को बनाते हैं और सोलर सिस्टम के जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, यानी कि सोलर सिस्टम के पार्ट्स हैं। तो इसको समझते हैं और देखते हैं इनका मतलब क्या है। अब रात के समय में आपने देखा होगा कि आसमान में जो है धीरे धीरे आपको चमकती हुई कुछ चीजें दिखाई देती हैं, और धीरे 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 कुछ देर बाद जब अंधेरा बढ़ने लगता है तो सारा आसमान जो है चमकती हुई चीजों से भर जाता है। तो एट नाइट द होल स्काई इज फिल्ड विद टाइनी शाइनी ऑब्जेक्ट, सम आर ब्राइट, कुछ जो ज्यादा चमकते हैं कुछ कम चमकते हैं, और सारे अपीयर दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, यानी कि इनकी लाइट कम ज्यादा होती रहे। ट्विंकल ट्विंकल आपने सुनी है ना पोएम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो हम स्टार्स के बारे में बात करें यहाँ पर कि ये ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि इनकी लाइट कभी बढ़ती है कभी कम होती है। अब एक फुल मून जो है यानी कि पूर्णिमा की रात, चंद्रमा जिस दिन पूरा दिखाई देता है वो सिर्फ महीने में एक दिन आता है, और इसको क्या बोला जाता है फुल मून नाइट या फिर पूर्णिमा बोला जाता है, और उसके एक दिन बाद आपको चंद्रमा बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा जिसको कि क्या बोल दिया जाता है अमावस्या बोल दिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि स्टार्स जो है ट्विंकल करते हैं, और साथ ही साथ फुल मून नाइट क्या होती है यानी कि पूर्णिमा और अमावस्या क्या होती है। जब बात करें सेलेस्टियल बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं, जो भी स्पेस में चीजें हैं उनको सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं, क्योंकि वे जो है सेलेस्टियल चीजें हैं जैसे कि सन है, मून है, और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि रात के अंधेरे में चमकते हुए दिखाई देते हैं वो सारे क्या है सेलेस्टियल बॉडीज हैं। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जो बहुत ही ज्यादा गर्म और हॉट होते हैं, और वो जो है गैसेस से बने होते हैं, उनको क्या बोला जाता है स्टार्स बोला जाता है, जैसे कि हमारा सन है। स्टार्स क्या होते हैं, स्टार्स जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, स्टार्स आर सेलेस्टियल बॉडीज विच हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, जिनकी खुद की हीट और लाइट होती है, और जो ये जो कि वो बहुत ही ज्यादा बड़े अमाउंट में एमिट करते हैं जिससे कि प्लैनेट्स को एनर्जी मिलती है। और प्लैनेट्स जो है जैसे कि अर्थ है, तो अर्थ पर पूरा जो है एनर्जी सिस्टम किसकी वजह से, सन की वजह से। अगर सन नहीं होगा तो फिर प्लेनेट नहीं होगा, तो सन जो है पूरी एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे अर्थ को, क्योंकि वो एमिट करता रहता है और उसका कुछ हिस्सा हमें भी यूजफुल होता है। अब कॉन्स्टिलेशंस की बात करते हैं, कॉन्स्टिलेशंस क्या होते हैं, एक जो है बने बनाए पैटर्न होते हैं आसमान के अंदर तारों के हमको दिखाई देते हैं, उनको कॉन्स्टिलेशंस बोला जाता है। जैसे कि इन द नाइट स्काई वेरियस पैटर्न्स आर फॉर्मड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, रात के आसमान में कई सारे पैटर्न्स बनते हैं अलग अलग ग्रुप ऑफ स्टार्स के, इनको क्या बोल देते हैं कॉन्स्टिलेशन।
जैसे कि अर्सा वेजर या बिग वेयर एक कॉन्स्टिलेशन है, इसको कि हम जानते हैं सप्तऋषि के नाम से। और सबसे जो मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल भी होता है वो भी क्या होता है, सप्तऋषि होता है। इसको भी क्या बोलते हैं, सप्त सेवन यानी कि सात ऋषि, सेवन ऋषि सेजेस। सप्त सेवन यानी सप्त का मतलब होता है सेवन, और ऋषि यानी कि सेजेस यानी कि साधु संत। तो ये ग्रुप ऑफ सेवन स्टार्स होता है जो कि अर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन का एक पार्ट है ना। एंशियंट टाइम्स में लोग जो है डायरेक्शन को जो है डिटरमाइन करते थे अर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन के जो है मदद से, नाइट के समय में स्टार्स की मदद से। नॉर्थ स्टार जो है इंडिकेट करता है नॉर्थ डायरेक्शन को, इसको क्या बोला जाता है, पोल स्टार भी बोला जाता है। और ये आसमान में एक ही पोजीशन पर रहता है, जो कि आपने सुना है जैसे कहाँ पर रहता है, जैसे ये सप्तऋषि है, सप्तऋषि आपने सुना होगा ये चम्मच जैसा डिजाइन होता है उनका, और इनसे सीधे सीधे ऊपर जो स्टार मिलेगा इस जगह पर उसको क्या बोला जाता है, नॉर्थ स्टार बोला जाता है। और ये नॉर्थ स्टार या पोल स्टार, और ये नॉर्थ डायरेक्शन को डिनोट करता है। अब बात करते हैं हम प्लैनेट्स की, तो प्लैनेट्स क्या होते हैं उनको देखते हैं। प्लैनेट क्या होते हैं, सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी सिंपल सा टर्म है उन चीजों के लिए जो कि स्पेस में है, लटक रही है। हमारी अर्थ भी एक सेलेस्टियल बॉडी है स्पेस के अंदर, जो सन भी एक सेलेस्टियल बॉडी है, जितने भी प्लैनेट्स हैं मरकरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून, ये सारे क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े हैं और ह्यूमन भी मतलब ह्यूमन के लिए बहुत ही ज्यादा बड़े हैं, तो ये क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज, इनको नाम दे दिया जाता है। तो प्लैनेट्स कौन होती हैं, प्लैनेट सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जिनकी खुद की ओन हीट और लाइट नहीं होती, यानी कि इनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती। और ये किससे जलते हैं, मतलब इनके इनमें रोशनी किससे होती है, स्टार्स से होती है जो कि इनके आसपास होते हैं और जो कि इनके ऊपर रोशनी और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हीट और लाइट प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे कि अर्थ जो है और जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के अंदर आठ और नौ जितने भी हैं, वो जो है सन की रोशनी से जो है सन जो उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है। और जो वर्ड है प्लेनेट, प्लेनेट कहाँ से आता है, ग्रीक वर्ड प्लेनेट आई से आता है, जिसका मतलब है कि वॉन्डरर्स। वॉन्डरर्स इसको इससे इसलिए कनेक्ट कर दिया गया क्योंकि जितने भी प्लेनेट्स हैं वो घूमते रहते हैं चारों तरफ। वो वॉन्डरर्स क्या होते हैं, जो है वो मक्कड़ लोग होते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं, तो उसको क्या है नाम दे दिया गया, वॉन्डरर्स प्लेनेट आई, और ये इसका मतलब है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अर्थ जिस पे हम रहते हैं, द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लेनेट। अर्थ पे जिस पे हम रहते हैं वो एक प्लेनेट है, और ये जितनी भी इसकी हीट और लाइट है इसको सन से मिलती है। मून जो कि हम आसमान में देखते हैं वो जो है एक सैटेलाइट है खुद, जो कि अर्थ की एक सैटेलाइट है ना, ये एक नेचुरल सैटेलाइट है, और ये हमारी अर्थ की एक कंपेनियन है ना, क्योंकि ये इसके चारों तरफ घूमती रहती है। हमारी अर्थ की तरह सात प्लेनेट्स हैं इनके, सात और प्लैनेट्स हैं जो भी लाइट लेते हैं सन से, हीट और लाइट, जैसे कि मैंने आपको बताई हीट और लाइट सन से लेते हैं, और कुछ के तो खुद के मून्स भी हैं, और एक आध नहीं, यूरेनस नेपच्यून जुपिटर जैसे प्लैनेट्स के 70-80, 60 से 70-80 मून्स हैं, है ना, उसके बारे में भी हम बात करें। अब हम सोलर सिस्टम के बारे में बात करें तो सोलर सिस्टम क्या है इसको देखते हैं। सोलर सिस्टम कंसिस्ट करता है सन, एट प्लेनेट और सैटेलाइट, और कुछ दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज जो कि होते हैं एस्टेरॉइड और मीटियोरॉइड, इनको आप मेनली पत्थर मानिए जो कि स्पेस में घूमते रहते हैं, वो क्या है सब मिलकर सोलर सिस्टम को बनाते हैं। तो सोलर सिस्टम में हम सबसे पहले, क्योंकि सन को बोला जाता है परिवार का मुखिया, ये हमारी जितने भी प्लैनेट्स हैं ये क्या है बच्चे हैं, सन जो है पिता है, क्योंकि पिता आपको पता है परिवार का मुखिया माना जाता है। तो सन की बात करेंगे सबसे पहले, कि सन जो है हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है, यानी कि एक गोला मानिए सोलर सिस्टम को, तो सन जो है सेंटर है और ये सबसे बड़ा है, जो है ये एक्सट्रीमली हॉट गैसेस मतलब हद से ज्यादा हॉट गैसेस से बना हुआ है, और ये पुलिंग फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल जो भी पुल है वो सोलर सिस्टम को प्रोवाइड करता है, जिससे कि प्लेनेट इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, है ना। सन जो है अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का सोलर सिस्टम के लिए। सन लगभग 150 मिलियन किलोमीटर हमारे अर्थ से दूर है, हाँ, तो सन क्या है सबसे बड़ा है, और जो है ये हमारे प्लेनेट सोलर सिस्टम के अंदर मोस्टली एनर्जी प्रोवाइड कौन करता है, सन करता है। हमारे प्लेनेट अर्थ के अंदर आप देख लो पूरे मौसम जो है सन की वजह से होता है, सन नहीं होगा तो पृथ्वी भी जो है ये एस्टेरॉइड्स और मीटियोरॉइड की तरह इधर उधर घूमती रहती है ना, इसका कोई ये ग्रेविटेशनल पुल नहीं होता, तो ये होता है, ठीक है ना। अब आगे बात करें किसकी, प्लेनेट की बात करते हैं, तो एट प्लेनेट्स है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। कितने, देयर आर एट प्लेनेट्स इन आर सोलर सिस्टम, और इनके डिस्टेंस सन से
तो इनका जो है मतलब सन से जो भी शुरुआत होती है, तो इनके इनको सबसे पहले आता है मरकरी होता है, उसके बाद वीनस होता है, उसके बाद अर्थ होता है, उसके बाद मार्स है, उसके बाद जुपिटर है, उसके बाद सैटर्न है, उसके बाद यूरेनस है, और उसके बाद नेप्च्यून। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं कि माई वेरी एफिशियंट मदर, माई वेरी एफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, यानी कि माई वेरी एफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। मैंने पूरा सेंटेंस नहीं लिखा क्योंकि आप इसको याद कर सकें। सेंटेंस को आप अगर याद करेंगे तो आपको जो है सारे प्लेनेट जो है याद हो जाएंगे उनके इस सेंटेंस के हर वर्ड के पहले शब्द से। जैसे कि माई, तो सबसे पहला आता है मरकरी, फिर वेरी, इससे सबसे पहला शब्द हो जाएगा वीनस, उसके बाद एफिशिएंट, इसका सबसे पहला वर्ड हो जाएगा अर्थ, और मदर का हो जाएगा सबसे पहला मार्स, उसके बाद जस्ट का हो जाएगा जुपिटर, और सैटर्न का हो जाए सर्व का हो जाएगा सैटर्न, और अस का हो जाएगा यूरेनस, और एन का हो जाएगा नट्स का हो जाएगा नेप्च्यून, है ना। तो आप इस सेंटेंस को याद कर सकते हैं कि माई वेरी एफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, और ये हमारी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, वहीं से मैंने भी पढ़ा था, आप भी पढ़ सकते हैं। अब एट प्लैनेट जो है सोलर सिस्टम के, वो एक फिक्स्ड पाथ में घूमते हैं, है ना। उसको क्या, उनको क्या बोल दिया जाता है, इनका ऑर्बिट बोल दिया जाता है, दीज पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट, इनको ऑर्बिट बोल दिया जाता है, जो कि सर के चारों तरफ इनका एक फिक्स्ड पाथ है, उस पर ये घूमते हैं। मरकरी जो है सबसे पास है, मरकरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, सन के सबसे पास वाला जो है प्लेनेट है वो है मरकरी। मरकरी पे लगभग 88 दिन लगते हैं एक राउंड को खत्म करने में उसके ऑर्बिट पर, यानी कि मरकरी का एक साल 88 दिनों में होता है, किसके, अर्थ के 88 दिन, है ना। वीनस जो है अर्थ का ट्विन माना जाता है क्योंकि इसका साइज और शेप लगभग अर्थ के बराबर ही है, और टिल रिसेंटली यानी अगस्त 2006 तक प्लूटो को भी एक प्लेनेट कंसिडर किया जाता था, लेकिन हाउएवर एक मीटिंग जो कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की हुई थी, जो कि ये सारे नाम रखती है सेलेस्टियल बॉडीज के, उन्होंने प्लूटो को जो है एक प्लेनेट से हटा दिया और उसको एक ड्वार्फ प्लेनेट जो है इसको क्या डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि प्लूटो का एक फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं था, प्लूटो जो है कहीं भी घूम जाता था। प्लूटो क्योंकि एक प्लेनेट होने का एक सबसे पहला पॉइंट ये भी है कि उसका एक फिक्स्ड ऑर्बिट होना चाहिए, लेकिन प्लूटो का कोई फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं है, वो इधर इधर घूमता रहता था, तो इसीलिए प्लूटो को जो है क्या बना दिया गया, एक ड्वार्फ प्लेनेट जो है डिक्लेयर कर दिया गया, और इसीलिए इसको एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के अंदर ड्वार्फ प्लेनेट में डाला, जैसे कि सेरेस 2000 थी, तो इसको भी ड्वार्फ प्लेनेट डिक्लेयर कर दिया गया। अब अर्थ की बात करें, हमारी अर्थ जो है थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट है सन की, और ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है वर्ल्ड, सॉरी वर्ल्ड के अंदर नहीं, सोलर सिस्टम के अंदर। अर्थ जो है थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट है, मरकरी वीनस अर्थ, तीसरी प्लेनेट सबसे पास जो है अर्थ के, और इसकी कंडीशन कुछ ऐसी तरीके से है कि जो है ये ही लाइफ सपोर्ट करती है पूरे सोलर सिस्टम के अंदर। ये पोल्स पे जो है इसके अपने किनारों पे जो है थोड़ी सी चपटी है, और अर्थ का शेप जो है जियोइड होता है, जियोइड का मतलब अर्थ लाइक शेप, क्योंकि इसके जैसा कोई शेप ही नहीं, ये उबड़ खाबड़ शेप, जैसा कि आपको ग्लोब्स और टीवी में दिखाया जाता नहीं एकदम गोल, वैसे ही अर्थ नहीं, अर्थ पूरी एकदम टेढ़ी मेढ़ी है ना, जैसे कोई बर्तन होता है ना कटोरा, उसको ठोक के पिचका देते हैं कहीं इधर उधर से, वैसा इसका शेप है। और कंडीशन जो कि फेवरेबल है लाइफ सपोर्ट के लिए, वो सिर्फ अर्थ पे ही पाई जाती है। इसके पास, इसके अंदर वाटर है, एयर है, जो कि बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है सर्वाइवल के लिए, लिविंग बींग के लिए, और इसके अंदर एयर है लाइफ सपोर्टिंग गैसेस की, जो कि ऑक्सीजन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है पेड़ों के लिए। और आउटर स्पेस से अर्थ जो है ब्लू अपीयर होती है, क्योंकि दो तिहाई इसका जो है हिस्सा जो है पानी से भरा हुआ है, और इसको ब्लू प्लेनेट भी बोला जाता है इसी वजह से, क्योंकि नीली नजर आती है और पूरा पानी से भरी हुई है, इसीलिए अर्थ को जो है ब्लू प्लेनेट भी बोल दिया जाता है सोलर सिस्टम के अंदर। अब हम बात करते हैं मून की, मून क्या है देखते हैं। मून जो है हमारी अर्थ का सैटेलाइट है, इसका डायमीटर जो है 1/4, यानी कि अर्थ का 1/4 हिस्सा है, कितना है 1/4 है इसका अर्थ का। और ये जो है इतना बड़ा इसलिए हमें नजर आता है क्योंकि ये हमारी अर्थ से कुछ ही दूर है, मतलब कि बाकी सेलेस्टियल बॉडीज से बहुत ही कम दूरी पर है, ये लगभग अर्थ से 384,400 किलोमीटर दूर है। और मून जो है अर्थ के 27 दिनों में चक्कर लगाता है ना, तो 27 दिनों में आपको पता है अलग अलग शेप दिखाई देते हैं, क्योंकि अलग अलग जो है
उससे दिखाई देता है, ये अर्थ जो है ढक लेती है इसका हिस्सा, और इसकी वजह से ये पूरा नहीं दिखाई देता। तो जिस दिन ये पूरा दिखाई देता है उस दिन एक महीना पूरा होता है ना। और इतने ही दिनों में ये खुद का चक्कर पूरा लगाता है, यानी कि खुद स्पिन करता है। एज अ रिजल्ट इसका एक ही साइड हमको विजिबल होता है अर्थ पे, है ना। और मून का जो है, मून के ऊपर जो है फेवरेबल कंडीशंस नहीं है लाइफ के लिए। इसके ऊपर पहाड़ हैं, प्लेन्स हैं और गड्ढे हैं, यानी कि माउंटेन्स, प्लेन्स और डिप्रेशन हैं इसके सरफेस के ऊपर, और जो कि इसके ऊपर परछाई दिखाते हैं, जो कि आपने देखा होगा चांद के ऊपर दबे, क्योंकि यहाँ पे गड्ढे हैं इसके ऊपर, साथ ही साथ माउंटेन्स हैं, तो इसकी वजह से क्या है परछाइयां बनती है। इससे हमें लगता है कि भाई बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर धब्बे हैं। अब हम बात करते हैं एस्टेरॉइड की। एस्टेरॉइड क्या होते हैं चलिए जानते हैं। एस्टेरॉइड जो है टाइनी बॉडीज होते हैं जो कि सन के चारों तरफ घूमते हैं। ये जो ऑर्बिट मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में पाए जाते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि ये एस्टेरॉइड उन प्लेनेट के हिस्से हैं जो कि तबाह हुए थे, एक्सप्लोड हो गए थे करोड़ों सालों पहले। तो ये क्या है, एस्टेरॉइड जो है टुकड़े हैं जो कि सोलर सिस्टम के अंदर कई करोड़ों सालों पहले जो है एक्सप्लोड हो गए थे, है ना। जैसे कि अर्थ भी एक हिस्सा थी सन का, वैसे ही वो भी सन के हिस्से थे और ठंडे होने के बाद जो प्लेनेट बने और फिर उनका जो लाइफ टाइम खत्म हो गया वो खत्म हो गए। तो ये पत्थर उन्हीं के, है ना। अब बात करें मीटियोरॉइड की, तो मीटियोरॉइड जो है स्मॉल